नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि देर से ही सही पर उन्होंने सच बोला और सभी किसान नेताओं को बेनकाब किया है। उन्होंने उजागर किया है कि कैसे कांग्रेस ने उन्हें भाजपा और प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किया। चढ़ूनी साहब को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि ये तथाकथित किसान नेता गुंडे हैं और वे उन पर हमला कर सकते हैं। आपको पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक वो गुरसिख हैं, सिख हैं, एक किसान हैं, उन्होंने देर आए दुरुस्त आए सच बोला है और मतलब सब किसान लीडरों का भांडा जो है फोड़ के उन्होंने लोगों के सामने रख दिया। अभी किस फ्रेब से ये कांग्रेस पार्टी, किस पैसे से, किस ताकत के बल से, किस तरीके से औहदे देने के लिए उनको यूज करती थी और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट यूज करती थी, इससे बड़ा खुलासा मैं समझता हूं आने कुछ सालों में नहीं होगा। जब का किसान लीडरों ने ब्लैकमेलिंग शुरू की है, ये सबसे बड़ी चोट आज बिल्कुल उनका चेहरा नंगा हो गया है। मैं तो चढ़ूनी साहब माने खुद नहीं वो कहेंगे, पर चढ़ूनी साहब को बहुत बड़ी सिक्योरिटी देनी चाहिए क्योंकि ये किसान लीडर बहुत बड़े गुंडे हैं। ये कोई भी उनपे हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। पर आज हमारे दिल को बड़ी खुशी है भी हम लोग जो इलेक्शनों में खड़े थे, आज पता लग गया भी कांग्रेस ने किस तरीके से हमारे अगेंस्ट किसानों को यूज किया। आज वो किसान भी घर बैठे पछता रहे होंगे भी हमारे, चाहे रवनीत बिट्टू हो, चाहे महारानी प्रनीत कौर जी हों और कैंडिडेट हों, भी जो लोगों के लिए काम करते थे हमने उनको इन किसान, ये जो भेड़िए किसान लीडरों की अंदर भेड़िए है वो शक्ल इन्होंने पहरावा डाल के डैमेज किया। और पर हरियाणा ने